अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती कायम दायम रहे, हेल्दी रहे, सेफ रहें और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ खुशी भरे लम्हात। आज के ड्रेसेस लिटिल गर्ल्स के शानदार ड्रेसेस ऐसे हैं, कैजुअल एंड पार्टी दोनों ही तरह के आप बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। कुछ ड्रेसेस इतने सिंपल होते हैं कि हम कोशिश करते हैं खुद ही इस तरह के ड्रेसेस को कट एंड स्टिच करना, और कोई कोई फ्रॉक ऐसा होता है जिसका काम बहुत मुश्किल लगता है, जिनकी कटिंग बहुत मुश्किल लगती है, डिफरेंट सी जो होती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हल्का फुल्का सा फ्रॉक स्टिच करने को दिल करता है कि अपनी बच्ची का ऐसा फ्रॉक ज़रूर स्टिच करें जो हमारे पास पीसीज मौजूद हैं, चाहे कम विड्थ वाले हों या ज़्यादा। कभी ज़्यादा बच जाता है ड्रेस में से, कभी कम, और कभी कभी पार्टी वेयर के हवाले से इस तरह के झबला स्टाइल फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत सॉफ्ट किसी भी स्टफ़ का बनाने को दिल करता है या बनवाने को दिल करता है। दिल करता है कि हमारी बच्ची का शानदार सा ड्रेस हो जो हमारी बच्ची पहनकर भी खुश हो जाए और उसका मूड भी बहुत अच्छा सा हो जाए, चाहे वो नेट फैब्रिक का हो, कॉटन का हो, लीलन का हो, चेक फैब्रिक, लाइनिंग डॉट्स, कोई भी फैब्रिक जो आपको ज़्यादा पसंद हो। पार्टी के हवाले से तो ज़्यादातर लोग नेट फैब्रिक, सिल्क या ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ही ड्रेसेस को तरजीह देते हैं, लेकिन कुछ लोग कंफर्टेबल अपनी बच्चियों को रखने के लिए और बहुत से ऐसे स्टफ़, कॉटन स्टफ़ जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी सी बना लेते हैं और वो फंक्शंस के तौर पर पहने जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टफ़ के हों, खूबसूरत अंदाज की डिज़ाइनिंग करवा लेते हैं और इस तरह बहुत ही प्यारे लगते हैं। नेट फैब्रिक में भी वैसे तो लॉन कॉटन लगाई जा सकती है, उससे भी खूबसूरती बढ़ जाती है। अगर आपको लॉन कॉटन की लाइनिंग इनर पसंद है तो वो भी आप लगा सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज के और भी ड्रेसेस बना सकते हैं आप, कंट्रास्ट में और डार्क कलर में, लाइट कलर में, जो आपको ज़्यादा पसंद हो, प्यारे प्यारे से ड्रेसेस अपनी बच्चियों के जो आपको पसंद हो ज़्यादा ज़्यादा। और आज के वीडियो में किस तरह के ड्रेस आपको ज़्यादा अच्छे लगे बताइएगा ज़रूर। दुआ में याद रखिएगा अल्लाह ताला हमेशा ही आपकी तमाम जायज़ हाजात कबूल और मंजूर फरमाए, जो आपके हक़ में बेहतर हो, जो दूसरों के हक़ में बेहतर हो और जिस जिस में जिसकी भी भलाई हो। कैसी